जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का वेलकम। आज के इस क्लास में हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2022 में इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को हमारे इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रंस में इंडक्ट करने वाली है। LCH है क्या, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन पाएंगे, तो उन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि ये LCH होते क्या है। सो LCH इज अ टाइप ऑफ इंडियन मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिसको भारत की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आपका डेवलप और डिजाइन किया हुआ है। LCH इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर की गई है, जिससे कि ये दोनों ही आपके फोर्सेस की जितने भी रिक्वायरमेंट है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड उनको पूरा करेंगे और ये आपके एक प्रकार के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली ये इंफॉर्मेशन दी है कि 3 अक्टूबर 2022 को इंडियन एयरफोर्स अपने जोधपुर एयर स्टेशन पे इस हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करेगी और ये इंडक्शन भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहली बार हम अपने अटैक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर LCH को अपने भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करने जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स की खासियत आपकी कई प्रकार से है, जैसे कि ये आपका डिफरेंट टारगेट्स को एक ही समय आपका टारगेट कर सकता है, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को ये अपना निशाना बना सकता है, हाई एल्टीट्यूड पर बंकर्स में अगर कोई दुश्मन बैठा है तो उसको ट्रैक करके उसको ध्वस्त करने की काबिलियत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आपका रखता है। साथ ही साथ हमारी इंडियन आर्मी जो कि आपके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जंगल वॉरफेयर में किया करती है, उनके लिए भी ये सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स हैं। मार्च 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा टोटल 15 LCH हेलीकॉप्टर्स के डेवलपमेंट और उनके इंडक्शन के लिए उनकी मंजूरी दी गई थी, जिसकी कॉस्ट टोटल आपकी 3887 करोड़ रुपीज की थी, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर के सपने को आगे अग्रसर कर पाए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत में देखते हैं तो अभी इनिशियली टोटल 15 आपके हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें 15 में से 10 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए, रेस्ट ऑफ 5 इंडियन आर्मी के लिए रहेंगे। ये हेलीकॉप्टर्स हाई एल्टीट्यूड में लगभग 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर जाके अपने वेपन्स और अपने फ्यूल के साथ आसानी से सर्विस हमारे दोनों ही फोर्सेस को दे पाएंगे। अगर हम फ्यूचर ऑर्डर्स देखें तो देखिए फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ही मिलकर 160 LCH की ऑर्डर्स HAL को देने वाली हैं, जो कि एक इंडिजीनियस सिस्टम है और इसमें आपका इंडिजीनियस कंटेंट 45% वैल्यू का लगा हुआ है, जिसको हम बढ़ाकर 55% आपका करेंगे और धीरे धीरे करके हम इसको पूरी प्रकार से इंडिजनाइज कर पाएंगे। ये सिस्टम और ये आपका प्रोजेक्ट भारत के आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इंडिया इनिशिएटिव को और भी आगे बढ़ाता है, जहां पर अपने पॉजिटिव इंडिजनेशन की लिस्ट को और भी फुलफिल कर पा रहे हैं और भारत के सेल्फ रिलायंस डिफेंस सेक्टर में इस सपने को आगे अग्रसर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि भारत ने 2020 के बाद से टोटल 310 डिफेंस आइटम्स को बैन कर दिया है, जिसको हम दूसरे देशों से खरीदा करते थे, और अब हमारी डिपेंडेंसी हेलीकॉप्टर्स पर जो दूसरे देशों पर रहती थी उसको भी हम लगातार कम कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स किस प्रकार के अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज किया करती है, तो मेनली हमारे इंडियन एयरफोर्स MI-25 और MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनकी ओरिजिन रशिया की है, उनको हम यूज करते हैं और इनमें से हम एक स्क्वाड्रन को अभी हमने क्या कर दिया है, डीकमीशन कर दिया है और उसकी जगह पे हमने 22 नए बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि आपके अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको अपने इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में शामिल किया हुआ है। वहीं MI-35 को भी हम इस LCH से रिप्लेस करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर से। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी ने अपनी पहली LCH की स्क्वाड्रन 1 जून 2022 को इंडक्ट कर ली है और ये सभी हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के ईस्टर्न बेस में आपके डिप्लॉयड हैं, जो कि आपके जंगल वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए हमारे इंडियन आर्मी को मदद करेंगे। इंडियन आर्मी ने टोटल आपके 95
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर जो है आपके दिए हुए हैं, जिसमें आपकी 7 यूनिट्स आएंगी और हर एक यूनिट में लगभग आपके 10 हेलीकॉप्टर्स प्लान किए जा रहे हैं, जिनको हम अपने माउंटेन कॉम्बैट रोल में देख सकेंगे। LCH हेलीकॉप्टर्स की स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा हैं और ये इस समय का 21st सेंचुरी का 4.5 जनरेशन का सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है, जिसकी टेस्टिंग हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ्स ने भी की हुई है। तो इसमें आपका रिक्विसाइट एजिलिटी, मैन्युवरेबिलिटी, एक्सटेंडेड रेंज, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, राउंड द क्लॉक ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी से ये आपका लैस है और ये दुश्मन के कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और कॉम्बैट इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आसानी से अपनी सर्विस दे सकता है। इसमें फाइटर पायलट के लिए काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं, जिसमें ग्लास कॉकपिट और आपका कंपोजिट एयर फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, जिससे कि हमारा पायलट डे और नाइट किसी भी टेरेन में आसानी से अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इस हेलीकॉप्टर का वेट 2250 किलोग्राम, टॉप स्पीड ये 268 किलोमीटर पर आवर की अटेन कर पाएगा, रेंज इसकी 550 किलोमीटर। इसमें भारत का इंजन ट्विन शक्ति इंजन लगा हुआ है और इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी आप सभी जानते हो कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि आपकी एक प्रकार से नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसके आपके काफी अत्याधुनिक फीचर्स इसमें लगे हैं, जिसमें आपका 20mm की टरेट गन इसमें लगी है, इसमें आपका एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स आपकी इंडक्ट करवाई गई है, जिससे कि इसकी फायर पावर में और भी ये इजाफा होता है। अगर हम इसके वेपन्स को डिटेल्स में देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम लगा है, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट को दिया जाता है, जिससे कि वो अपने हेलमेट पे जो है किसी भी टारगेट को आसानी से ट्रैक और देख सकता है। टरेट गन 20mm की लगी हुई है, जिससे कि वो आपका 800 राउंड्स पर मिनट आपका फायर कर सकता है। तो यहाँ पर आप इसको, इस गन्स को देख पा रहे हो। इसमें आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड लगा है, जो कि आपके डे एंड नाइट सर्वेलेंस करने में हमारे पायलट की मदद करेगा। एयर टू एयर मिसाइल्स इसमें लगी हैं, जिसकी रेंज आपकी 6.5 किलोमीटर की है, यानी कि 6.5 किलोमीटर दूर से ही ये हेलीकॉप्टर अपने दुश्मन को ट्रैक करके उसको ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। 70mm की इसमें कैलिबर रॉकेट सिस्टम आपके लगे हुए हैं, जो कि आपका एक्सटेंडेड वर्जन अगर देखें रेंज में तो 8 किलोमीटर तक की आपकी देते हैं। वहीं इसमें आपका सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा लगा है, जो कि इसको स्टिल इमेज और आपका रनिंग फुटेज को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रंस में डिफरेंट टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स भी यूज कर रही है, जिसमें आपके कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। बोइंग अपाचे, जिसको हमने अमेरिका से खरीदा है, ये फाइटर आपका हेलीकॉप्टर है। CH-47 चिनूक अमेरिका से लिया, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। MIL-MI-17, MIL-24, MI-25, MI-35, जिसको अब जल्द ही रिप्लेस भी किया जाएगा, रशियन ओरिजिन है। MI-26, HAL चेतक, HAL चीता, HAL ध्रुव, HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और आपका LCH अब जल्द ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ये इंडक्ट होने वाला है। इससे रिलेटेड मैंने आपकी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको बिल्कुल देखिएगा। और यहाँ से हमने जाना कि LCH क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और कैसे ये हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के फायर पावर में इजाफा करने वाला है। अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी SSB एस्पिरेंट्स SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस दिया जाता है और आप डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हमारे कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे रिटर्न कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी कोर्सेज के बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसको आप परचेज करके आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव एजुकेशन ले पाएंगे। कोर्स में इनरोल होने से पहले आप सभी इस वॉरिटेन कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।